नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो Realme का जो एक सीरीज जो कि मिड रेंज में अवेलेबल है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुआ था Realme X2 नाम से, जिसका प्राइस था 20,000 के नीचे, और वो 20,000 के नीचे सबसे बेहतर स्मार्टफोन था, और वो स्नैपड्रैगन 730G वाला 20,000 के नीचे सबसे बेहतर स्मार्टफोन था। और ऑलरेडी उस स्मार्टफोन के लॉन्च किया हुआ 5 महीने से ज्यादा हो चुका है, मतलब Realme X3 आने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Realme X3 की तरफ से क्या का एकदम कॉन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिला है, और इस स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया में क्या होगा, और इसका लॉन्च डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त कमाए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका डिस्प्ले के बारे में। Realme X3 होने वाला है 6.57 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, और इसमें एमोलेड होने के बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का प्राइस कम करना है, इसलिए Realme वालों ने इस बार इसमें नॉर्मल IPS डिस्प्ले यूज किया है। और अगर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें, तो इस मामले में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये होने वाला है स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर, जो कि अभी सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर माना जाता है क्वालकॉम की तरफ से। और अगर इसके रैम और स्टोरेज वेरियंट की बात करें, तो ये टोटल 3 वेरियंट में लॉन्च होगा। 6GB रैम, 64GB मेमोरी, 8GB रैम, 120GB मेमोरी, और 8GB रैम, 256GB मेमोरी। और इसमें ऑब्वियसली Android 10 आएगा Realme यूजर इंटरफेस के साथ। और अगर इस स्मार्टफोन के मोबाइल थिकनेस और वेट की बात करें, तो ये स्मार्टफोन होगा 8.9mm थिन, और ये 192g होगा, मतलब ये बिल्कुल भी हल्का स्मार्टफोन नहीं होगा, या फिर एकदम पतला स्मार्टफोन नहीं होगा। लेकिन जो इस स्मार्टफोन के सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, वो ही इसका कैमरा। इसमें होने वाला है 48MP क्वाड कैमरा सेटअप, मतलब 48MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर, और इसके साथ 2MP का दो सेंसर होगा, मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर। और अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, तो इसमें डुअल कैमरा का सेटअप है, मतलब 16+2MP का डुअल कैमरा, मतलब टोटल इसमें 6 कैमरा होगा। और इसमें कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस होगा, इसमें डुअल 5G मोड, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5, GPS, ग्लोनास, USB टाइप सी, मतलब कनेक्टिविटी के सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। और अगर इसके बैटरी की बात करें, तो इसमें होगा 4100mAh बैटरी विथ फास्ट चार्ज। वैसे 30W का फास्ट चार्ज तो डेफिनेटली होगा, शायद उसके ऊपर भी हो सकता है। अब जो मेन चीज, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या होगा। लीक्ड इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये पता चल रहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा 18,000 से 20,000 के अंदर, क्योंकि देखिए 15,000 रुपये के आसपास पोको X2 मिल रहा है, जिसमें अवेलेबल है स्नैपड्रैगन 730G। तो ऑब्वियसली उसे बीट करने के लिए 18,000 से 20,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 765G 100% आना चाहिए, इसीलिए इस स्मार्टफोन का प्राइस 18,000 से 20,000 के बीच में होगा। और अगर इसके लॉन्च डेट की बात करें, तो लीक्ड इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये पता चला है कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा 8 मई इंडिया पे। तो Realme X3 की तरफ से टोटल यही सारी इन्फॉर्मेशन मिला है। वैसे आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो जरूर सुनना चाहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।